दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से एक YouTube चैनल क्रिएट करके ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज के तारीख में ऑनलाइन पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, जैसे कि जोमेटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर आज के दौर में सबसे ज्यादा चला पड़ा है टिकटॉक, तो आप टिकटॉक पे भी वीडियो बना के पैसे कमा सकते हैं। इस तरह के तमाम सोर्सेस है ऑनलाइन के, जहां से कि आप पैसे कमा सकते हो। तो आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि आखिर जब इतने तरह की सुविधाएं उपलब्ध है तो हम यूट्यूब को ही क्यों चुने। तो इसका जो जवाब है ये मैं आपसे ही लेना चाहूंगा, आपसे ही सवाल करता हूं। अगर आपके पास इतने सारे ऑप्शन उपलब्ध हो किसी भी काम को करने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, या फिर टिकटॉक पे वीडियो बना सकते हैं, तो अगर आपको इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे तो आप इसमें से किसी एक को चूज करना हो, ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं, तो आप किसे चूज करोगे? नेचुरली सी बात है, आप उस चीज को सबसे पहले चूज करना चाहोगे जिसे कि शुरू करना बेहद आसान हो और साथ ही जिसमें कमाई के जो साधन हो, मतलब इनकम जो हो अधिक से अधिक हो, इसके साथ ही आप उस चीज का स्कोप देखोगे। तो इन तमाम कैटेगरी पे ही हमने आपको सलाह दिया है कि आप एक YouTube चैनल क्रिएट करें, क्योंकि YouTube चैनल को क्रिएट करना बेहद आसान है। इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा अगर हम अर्निंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भुवन बाम, अमित भडाना जैसे बेहतरीन यूट्यूबर है जो कि जिनकी अर्निंग की अगर बात करें कमाई की तो लाखों रुपए महीनों की है। इसके अलावा अगर हम स्कोप की बात करें तो आपको बता दें कि यूट्यूब जो है गूगल के बाद दुनिया में दूसरे नंबर की वेबसाइट है, यानी कि आज के डेट में दुनिया में करोड़ों वेबसाइट बने हुए, उसमें दूसरे नंबर का वेबसाइट है, तो डूबने का सवाल पैदा नहीं होता। अगर कोई भी चीजें डूबेगी तो सबसे निचले पायदान से डूबेगी। तो आपको बता दें कि अगर आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करना सोचे हो तो आप बिल्कुल अच्छा सोचे हो। तो आज के वीडियो में आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करना बताते हैं। अगले वीडियो में हम ये भी बताते रहेंगे कि आप किस तरह से अपने वीडियो को रैंक कराएंगे। तमाम चीजें जो YouTube से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स होते हैं इस चैनल पे आते रहेगा, तो आप ये वीडियो को मिस ना करें। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अच्छा लगे तो। तो चलिए हम आपको सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पे ले चलते हैं। आपको बता दें कि तमाम जो टिप और ट्रिक्स आएंगे ये मोबाइल से रिलेटेड मोबाइल पे ही हम बताएंगे, ताकि कई सारे आज के डेट में क्रिएटर जिनके पास लैपटॉप उपलब्ध नहीं है तो वो मोबाइल के जरिए भी पैसे कमा सकते हैं। इसलिए मैं तमाम चीजें जो है आपको मोबाइल पे बताऊंगा। तो आपको मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे YouTube चैनल क्रिएट करने के लिए हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, और यहाँ पे हमें सर्च कर लेना है गूगल क्रोम, अपने स्क्रीन पे देखना है कहाँ पे है। तो इस तरह से यहाँ पे दिख गया है गूगल क्रोम, तो हम सिंपल सा जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा जो गूगल है वो ओपन हो जाएगा। और हमें सिंपल सा यहाँ पे या फिर यहाँ पे, चाहे तो आप यहाँ भी सर्च कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ भी सर्च कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक जगह पे आपको सिंपल सा सर्च कर लेना है YouTube। इस तरह से आपको YouTube सर्च कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा कोने में आपका ऑप्शन दिखेगा लॉगिन करने का, तो अगर आप पहले से लॉगिन नहीं है तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। और लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो ईमेल और पासवर्ड कैसे बनाते हैं इससे रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया है, तो आप चाहे तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह बनाना सीख जाए। तो आपको सिंपल से यहाँ लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा योर चैनल का, तो आप चैनल क्रिएट करने जा रहे हैं तो आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है योर चैनल का। देखिए यहाँ पे योर चैनल पे क्लिक करते ही आपने जो जीमेल अकाउंट बनाया होगा उस समय अपना फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दिया होगा, वो नेम यहाँ ऑटोमेटिक दिखाने लगेगा। लेकिन अगर आप अपना यूट्यूब चैनल इसी नाम से बनाना चाहते हैं, अगर यहाँ पे आप क्रिएट चैनल कर देंगे तो आपका यूट्यूब चैनल जो है चंदन पटेल के नाम से क्रिएट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अपना यूट्यूब चैनल का नाम कुछ अलग रखें, जैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम बिहार डेलीगेशन रख रखा है, इसी तरह से कुछ रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बदल के लिखना होगा। जैसे फॉर द एग्जांपल मैं इस चैनल का नाम जो है रख लेता हूँ ज्ञानी बाबा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल से ज्ञानी लिख देना है और यहाँ पे लिख देना है बाबा। तो इस तरह से क्या है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया अपने चैनल का नाम, और यहाँ पे सिंपल सा है जो क्रिएट चैनल पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे वो क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे वीडियो वगैरह जो अपलोड कर सकते हो। तो ये जो वर्जन है मोबाइल का वर्जन में, हम आपको इसको डेस्कटॉप वर्जन में भी खोलना सिखा देते हैं। यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहा है, सॉरी 3 डॉट के ऊपर यहाँ पे दिख रहा है ये 3 डॉट ऊपर वाला, इस वाले 3 डॉट पे क्लिक नहीं करना है, ऊपर वाले पे करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ऊपर वाले 3 डॉट पे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आइएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे लिखा है डेस्कटॉप, एक चेक बॉक्स बना हुआ है। तो आपको सिंपल सा इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के साथ आपका जो मोबाइल है वो डेस्कटॉप वर्जन में खुल जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। अब देखिए आपका जो चैनल है वो बन चुका है। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा लगाना है आपका लोगो और पीछे का जो बैकग्राउंड वगैरह वो लगाना है, यानी कि आपको चैनल को कस्टमाइज करना है। तो ये चैनल कस्टमाइज़ कैसे करना है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, अगर आप लोग की डिमांड रही तो। और वीडियो अपलोड करना कैसे ये फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ। आप पहले कोई भी वीडियो आप रिकॉर्ड करके रखे होंगे, उस वीडियो को आपको सिंपल से यहाँ पर देखिए प्लस का निशान है, इस पर आपको क्लिक करना होता है। प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है अपलोड वीडियो का। तो यहाँ पे आपको सिंपल से क्या करना है, अपलोड वीडियो पे क्लिक कर देना है और आपकी जो वीडियो बनी होगी मोबाइल में पहले से सेव होगी उस वाले वीडियो पे जाना है। और ध्यान रखिएगा आप कोई डाउनलोडेड वीडियो जैसे किसी और फिल्म का वीडियो वगैरह है ये सब अपने यूट्यूब चैनल पर मत डालिएगा। तो इस तरह से आपका पेज खुल के आ रहा है, यहाँ पर आपको गो इट पर क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट फाइल का, तो आपको सिलेक्ट फाइल पर क्लिक कर देना है। सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने जो वीडियो जहाँ रख रखा होगा वहाँ से आपको वीडियो उठाना है। जैसे फॉर द एग्जांपल मैं गैलरी में अपनी वीडियो रखता हूँ तो गैलरी पे क्लिक करना है, और गैलरी पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा वीडियो वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से क्या करना है, क्लिक कर देना है किसी वीडियो पर, और ये जो वीडियो है अपलोड होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर वीडियो का टाइटल वगैरह देने का बच जाता है। देखिए ये जो है कॉलम है टाइटल का, तो आपको यहाँ पर अपना चैनल इस वीडियो का टाइटल लिख लेना है बढ़िया सा सुंदर सा, जैसे कि माय न्यू वीडियो हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। उसके ये थोड़ा बहुत गलत सही है। उसके बाद आप वीडियो के इस वीडियो में आपने क्या क्या बताया है वो आपको इस वाले चेक बॉक्स में लिखना है कि हमने वीडियो बनाया है। उसके बाद यहाँ पे एक थंबनेल डालना जाता है, यानी कि आपका वीडियो जो यूट्यूब पर चल रहा होता है वो उसके सबसे ऊपर जो कवर पेज दिखाता है उसको हम लोग थंबनेल बोलते हैं। तो उसको यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, ये फ़ोटो की तरह होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और अपना जो थंबनेल है वो अपलोड कर सकते हैं ताकि वीडियो जो है आपका अच्छा दिखे। जिस तरह से आपने वीडियो अपलोड किया था उसी तरह से आप अपना जो थंबनेल है ये भी यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, आगे सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, नीचे आइएगा, नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका जो वीडियो है अपलोड हो रहा होगा, जैसे ये वीडियो 11% अपलोड हो गई है, तो इस तरह से आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी पूरी 100%। और उसके बाद आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा आपको शेयर करने का कि आप इसको कैसे शेयर, और यहाँ पे एक और कॉलम पूछ रहा है कि ये वीडियो जो है बच्चों के लिए बनी है या नहीं बनी, ये भी आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ, ये इस नॉट मेड फॉर किड्स भी कर देता हूँ क्योंकि कई बार बच्चे भी ईमेल आईडी बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आपको आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद जो विशेष ध्यान वाली देने वाली बात ये है कि यहाँ पर पब्लिश नाउ पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है कि यहाँ पर पब्लिक पे क्लिक करना है। पब्लिक पे अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो आपका जो वीडियो है सिर्फ आप ही देख पाएंगे, बाकी लोग नहीं देख पाएंगे, आपके वीडियो प्राइवेट या अनलिस्टेड रहेगी, तो सिर्फ आप देख सकते हैं। तो पब्लिक कर दीजिएगा तभी सारे लोग के पास पहुँचे। उसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही आपकी जो वीडियो है आपके चैनल पर अपलोड हो जाएगी और आपके वीडियो जो है सारे लोग देख पाएंगे, जो भी आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे या फिर आप दिखा सकते। तो इस तरह से जो है आप अपने यूट्यूब चैनल बना के और वीडियो डाल सकते हैं। और बाकी जो थंबनेल वगैरह कैसे बनाते हैं, टाइटल बढ़िया कैसे डालते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।